हेलो फूडीज़, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी का मेरे चैनल अम्बे किचन में स्वागत है। अभी श्रावण का सोमवार चल रहा है और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि व्रत रखते हैं, तो मैं अभी व्रत की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप भोग भी लगा सकते हैं और व्रत में खा भी सकते हैं। और ये रेसिपी है मखाना की बर्फी। मखाना तो सबके घर में होता ही है लगभग, क्योंकि ऐसे भी बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, शाम के स्नैक्स की तरह भी खाते हैं, तो व्रत में तो स्पेशली रहते हैं। तो मैं एक कप से दिखा रही हूँ, एक बोल ये जो भी ले लीजिए, उससे मैंने 3 कप ले लिया मखाना। और उसे 5 मिनट मुश्किल से होता है, 5 मिनट में इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भून ले, जब तक कि वो जैसे चाय के साथ खाते हैं वैसे भूनते हैं, या हाथ से क्रश करके देख ले, जब ये क्रंची जैसा हो जाए तो मतलब आपका मखाना तैयार है। बिल्कुल इस तरह से, इसका कलर चेंज ना करें नहीं तो बर्फी की कलर चेंज हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह से भून करके एक प्लेट में निकाल दें, और प्लेट में निकाल करके इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दें। और फिर हम ले लेंगे उसी पैन में, थोड़ा सा पानी पहले डाल दिया था मैंने, और बहुत गर्म था वो कढ़ाई इसलिए, और उसमें डाल दी हूँ मैं 1 लीटर दूध। ये 1 लीटर कॉम मिल्क है, नॉर्मल मिल्क है, आप चाहे तो फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं। मैं इसे नॉर्मल जो यूज करती हूँ वही 1 मिलीलीटर दूध डाल देती हूँ, और इसे मैं 75% तक इसे चलाते हुए बीच बीच में इसे जला लूँगी। इसे मैं बीच बीच में चला रही थी, कंटिन्यू नहीं चला रही थी, बस ये से उबल के बाहर ना गिरे इसलिए। बिल्कुल इसे 25% जब दूध हमारी बच जाएगी, मलाई पूरी जम जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, उस टाइम में उसमें हम डाल देंगे 1/3 कप डाल देंगे उसमें पाउडर शुगर। आप चाहे तो बिल्कुल 1 कप पूरी डाल सकते हैं, जितना मीठा आप खाते हैं उस हिसाब से। मेरी परफेक्ट बनी थी, इसी टाइप से मीठा खाते हैं इसलिए मैं डाली थी 1/3 कप, और उसे 2 पार्ट में मैं डाली थी। और 2 पार्ट में डाल करके उसे चलाते हुए मिक्स कर लें, क्योंकि एक बार ही डालेंगे ना तो आपका दूध बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, फिर उसे जलाएंगे तो चिपचिपी सी हो जाती है, इसलिए थोड़ा आधा डाली थी, फिर 2 आधा डाल करके उसे अच्छे से मिक्स कर लें। जब अच्छे से पूरी तरह वो मिक्स हो जाए, लगेगा कि चीनी घुल गई है, उस टाइम में क्या करेंगे, हमने जो मखाना की पाउडर बना के रखी थी, वो जो मखाने ठंडे हो गए थे पाउडर बना ली थी, और उसमें 2-3 इलायची कूट के डाल दी थी। अब इसे हम सारे चीज़ों को लो फ्लेम पर मिक्स कर लेंगे। बहुत जल्दी ये मिक्स हो जाती है क्योंकि ये पाउडर है, और बहुत जल्दी वो जो हमारी रबड़ी थी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसे क्या करेंगे, हम लो फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस टाइम में आप थोड़ा सा इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी ड्राई हो रही है, नहीं मिक्स हो रही है। तो मैं लो फ्लेम पे कर रही हूँ, पूरी तरह ये मिक्स हो गया था अच्छे से, बस हमें पकाना नहीं होता है इसको, बस मिक्स करना होता है। तो चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इस टाइम में डाल देती हूँ मैं 2 चम्मच घी। आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटा चम्मच जो है, 2 चम्मच घी डालती हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल है। पर एक मिठाई जब बनाते हैं ना तो एक घी का टेक्सचर होना चाहिए, उसकी टेस्ट, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और उसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब ये देखिए बिल्कुल पूरी तरह मिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे, एक मिठाई का डब्बा ले लेते हैं, कोई भी प्लेट ट्रे कुछ भी ले लीजिए, पर आपको पता है कि हम इंडियन कितने जुगाड़ू होते हैं, जब भी मेरे घर में ये मिठाई के डब्बे आते हैं मैं इसे टिश्यू से साफ करके रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें मिठाई बनाने में बहुत आसान रहता है, आराम से आप जमा सकते हैं और आराम से इसे डिमोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें डाल दी हूँ, और डालने के बाद मैं इसे हल्का सा ऊपर से ना चाकू से निशान बना देती हूँ बर्फ़ी की जो शेप बनाऊँगी। वो बनाने के बाद हमने जो मखाने रोस्ट कर लेते हैं उसके आधे आधे कट करके मैं उसके बॉक्स के ऊपर में, मिठाई के ऊपर में रख दूँगी, और 1 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। आप चाहे तो बाहर पंखे की हवा में भी सेट करने के लिए रख सकते हैं। तो हमारी मिठाई बिल्कुल सेट हो गई है, अब इसे हम काट करके देखिए डीमोल्ड करना कितना आसान होता है इसका। इसमें कुछ भी बटर घी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, ये पेपर पे बहुत आसानी से सेट हो जाती है। तो चलिए अब इसके हम कट कर लेते हैं, और कट करके आपको दिखाते हैं कि कितना अच्छा ये टेस्टी सा, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी, और बहुत ही कम सामानों में आपके घर में ये टेस्टी सा मिठाई बन के रेडी हो जाएगा, जिसे आप व्रत में आराम से खा सकते हैं, महादेव को भोग भी लगा सकते हैं। तो कैसी लगी ये हमारी मखान की बर्फी, आप ज़रूर बताइएगा, और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।